एस्ट्रो में शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मकर राशि जून 2023 की चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी राशि मकर है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और खास है। जून के महीनों में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। शनि द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, राहु बुध गुरु आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य 16 जून तक आपके पंचम भाव में, उसके बाद सप्तम भाव से गोचर करेंगे। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य प्रथम भाव लगन से देखा जाता है और आपकी राशि के स्वामी शनि देव अपने ही प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम तो अच्छा रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु राहु का जो चतुर्थ भाव में चंडाल योग बन रहा है और उससे आपको लीवर और डाइजेशन संबंधित परेशानियां थोड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि देव अच्छे स्थिति में है, मतलब स्वराशि में है या उच्च के हैं, तो आपका स्वास्थ्य में बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर शनि देव शत्रु राशि या नीच के हैं तो थोड़ी बहुत स्टमक संबंधी परेशानियां आपको हो सकती है, फिर भी इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। अगर संतान की बात करें तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो संतान से तो आप अस्वस्थ रहेंगे, संतान के प्रति किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन संतान का स्वास्थ्य को लेकर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर जो विद्यार्थी वर्ग है उनकी शिक्षा की बात करें तो वो भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र केंद्र से सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो उनको पढ़ाई में भी मन लगेगी और काफी कंसंट्रेशन रहेगी और पढ़ने में मन लगेगा। परंतु अगर वो प्रेम प्यार में उलझे हुए हैं तो मन डाइवर्ट हो सकता है, पढ़ाई से मन थोड़ा भाग सकती है और फिर आपको सफलता मिलने में देरी हो सकती है। प्रेम प्यार के लिए तो आपका ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति आपको प्रेम प्यार को काफी आगे बढ़ाता है, दोनों के बीच नजदीकियां आएंगी, दोनों के बीच काफी इंगेजमेंट रहेगा, इंजॉयमेंट होगी, उसमें किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं होगी। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो जो भी मकर राशि है 30 दिन में 10 दिन ऐसा हो कि बेवजह आप अपने लाइफ पार्टनर से बेवजह की बातों पे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तू मैं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारण, तो ये आपको थोड़ी सी आपको वैचारिक मतभेद बना ही देंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र भी यहाँ गोचर कर रहे हैं। वैसे वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है, नवम भाव के स्वामी बुध 8 जून तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, 8 जून से 24 जून तक आपके पंचम भाव में और 24 जून के बाद आपके षष्ठम भाव में से गोचर करेंगे, तो 8 जून से 24 जून के बीच जो समय है उसमें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 8 जून से भी पहले भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना 8 जून से 24 जून के बीच मिलेगा, और 24 जून के बाद तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका षष्ठम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जो भी काम करना है, जो भी नया काम करना है या वो सोचे हैं, तो 8 जून से 24 जून के लिए आपका उत्तम समय है।
अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर आपके दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी शुक्र आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो कैरियर की दृष्टि से तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, वो जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, जो नौकरी पेशा कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, कोई बेरोजगार है वो रोजगार उनकी मिल सकती है, उनकी नौकरी मिल सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बॉस के साथ अच्छी बनेगी, आप बहुत शांति ढंग से किसी तरह का कोई टेंशन आपके कार्य में नहीं रहेगा, अच्छा से आप काम करेंगे और अच्छा धन भी आप प्राप्त करेंगे। अगर लाभ इच्छा और बड़े भाई बहनों की बात करें तो वो एकादश भाव से देखा जाता है। तो 8 जून से 24 जून की जब भाग्य का साथ देगा और आपकी बिजनेस चलेगी तो लाभ भी आपको अच्छा खासा होगा, क्योंकि लाभ के स्वामी एकादश के स्वामी मंगल आपके चंद्र सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। अगर कोई इच्छा भी आपकी है तो वो भी इच्छा 8 जून से 24 जून के बीच आपकी जो चाहते हैं वो पूरा होने की पूर्ण संभावना है। और बड़े भाई बहनों का भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, उनके साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। अगर धन की बात करें तो धन द्वितीय भाव से देखा जाता है और द्वितीय भाव के स्वामी अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि आपके द्वितीय भाव से ही गोचर कर रहे हैं। तो धन का तो आगमन होगा लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि पर रही है तो धन आएगा लेकिन मेहनत आपको मंगल करवाएंगे, क्योंकि मंगल ग्रह के सेनापति हैं। तो धन आएगा लेकिन परिश्रम करने करवा कर आएगा। अगर माता के सुख की बात करें तो वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है और चतुर्थ भाव का स्वामी आपका मंगल केंद्र से सप्तम भाव से, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। भूमि वाहन की अगर बात करें तो भूमि वाहन के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है, भूमि वाहन आप ले सकते हैं। लेकिन आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपनी कुंडली का विवेचन किसी अच्छे ज्योतिष से करा कर ही करें। इस तरह जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं इसे निजात पाने के लिए आप शनि के बीज मंत्र का संध्या काल में सूर्यास्त के बाद 108 बार जाप करें, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि शनि देते देते आपको कुछ देकर ही जाएंगे। जो आप 5 सालों से परेशान हैं उसकी अब शनि आपको देने के लिए उतारू हैं और अब धीरे धीरे आपका, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलते हैं तो धीरे धीरे आपकी परेशानियां खत्म होंगी और शनि आपको जाते जाते 2025 के मई तक जाते जाते आपको कुछ अच्छा खासा देकर ही जाएंगे। और आप सूर्य के उगते हुए सूर्य को जल दें और हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें और भोलेनाथ की पूजा करें, जिससे आपको जो भी परेशानियां हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। इस तरह से मकर राशि जून 2023 के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूं। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित ले सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूं। धन्यवाद।